इंटरमीडिएट में मात्र 30% छात्रों के पास होने पे जिले में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरुद्ध पुतले दहन किया और भ्रष्ट सरकार के नारे लगाए। जो प्रतिभागी छात्र हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, कॉपी चेक करने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्राइवेट कॉलेज के जो प्रोफेसर कॉपी चेक कर रहे थे वितरण वाले, वो हड़ताल पर गए अपने मांग को लेकर के। इस बीच में प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय के अनुभवहीन शिक्षक के द्वारा कॉपी चेक करवा दिया गया। जो शिक्षक को सिलेबस की जानकारी नहीं थी, वो कॉपी को बाएं दाएं करके चेक किए। अभी एक बता रहे थे प्रोफेसर, कॉपी चेक नहीं हुआ, एवरेज मार्किंग दे करके रिजल्ट दे दिया गया। जो छात्र मेडिकल कंपनी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कंपनी कर रहे हैं, जो कैट में बेहतर कर रहे हैं, आज वो बिहार इंटरमीडिएट साइंस में फेल कर गए हैं। छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया है। हम 30% सभी विषयों में ग्रेस की मांग करने के लिए आज आयशा के बैनर तले बीआरबी कॉलेज से जुलूस निकाल कर प्रतिरोध मार्च निकाले हुए हैं। कहीं पुतला दहन हो रहा है, हम मांग कर रहे हैं कि सभी विषयों में 20% ग्रेस दिया जाए और तमाम छात्रों को सफल घोषित किया जाए, बेहतर रिजल्ट दिया जाए। और इसकी जिम्मेवारी लेते हुए, बिहार की जो बदनामी हुई इसकी जिम्मेवारी लेते हुए, शिक्षा मंत्री से हम इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दे। शिक्षा मंत्री का आज सर्वनाश बयान आया है, वो कह रहे हैं चोरी रुक गया इसीलिए बिहार का रिजल्ट इतना खराब आया है। तो क्या शिक्षा मंत्री स्वीकार करेंगे, इससे पहले बिहार में जो भी छात्र पास हुए क्या वो चोरी से पास हुए? हम शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री सर्वनाश बयान दे रहे हैं, शिक्षा रिजल्ट खराब होने का चेक करना कारण है। कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक समान सिलेबस नहीं है। अमीरों के लिए जो ICSE CBSE सिलेबस है उसका रिजल्ट 90% आता है और बिहार का जो सिलेबस है उसमें रिजल्ट 3% आता है। जबकि जो IAS का 1700 का एग्जाम उसमें टॉप पास होता है, 1100 बिहार का छात्र रहते हैं। बिहार के छात्र बेहतर होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, बेहतर रिजल्ट आते हैं। इसीलिए शिक्षा मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हटाया नहीं जाएगा, हमारा ऐसा आंदोलन चल